और चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन में बड़ा खेल हो सकता है, संजय राउत की हेकड़ी निकल सकती है, क्योंकि गुवाहाटी में बैठे गुट ने 3 दिन में सत्ता बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मुंबई में ठाकरे सरकार के पास बस चंद दिन बाकी बचे, 3 दिन में ठाकरे का खेल खराब होने वाला है। गुवाहाटी में बैठे 50 विधायक उद्धव ठाकरे सरकार की नींव हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के नाम पर दावेदारी ठोक चुके बागी विधायक अब कुर्सी पर काबिज होने की प्लानिंग कर रहे हैं। गुवाहाटी के होटल से 3 दिन के भीतर मुंबई में सरकार बनाने की प्लानिंग पूरी हो गई है। गुवाहाटी के जिस होटल में 50 विधायक ठहरे हैं उसकी बुकिंग 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। रेडिसन ब्लू होटल में 27 जून तक के लिए कमरे बुक थे, लेकिन अब बुकिंग को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। यानी 3 दिन में महाराष्ट्र का महाराज बदलने की कोशिश शुरू हो गई है। हार सामने देख ठाकरे गुट जहां बेवजह की आक्रामकता दिखा रहा है, वही शिंदे के सिपाही शांति से बैठे हैं। संजय राउत धमकी दे रहे हैं, जबकि शिंदे आराम से सरकार का तख्ता पलट करने जा रहे हैं। दोनों के तेवर ही बता रहे हैं कि सत्ता के इस संघर्ष में शिंदे के हाथ बाजी है, जबकि ठाकरे के हाथ खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।